लाडपुरा तहसील के कैथून में कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किया गया। पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने झूठे मुकदमे को लेकर पुलिस अधिकारियों को कोसा। वहीं भाजपा को पर्ची सरकार बताया। नगरपालिका अध्यक्ष आईना ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार का मामला उठाया। जनता की आवाज को बहुत ताकत से उठाते हैं और माना गया प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे था आगे जैसा प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष देंगे वो आगे जाएंगे। पैसे खा करके और एक षड्यंत्र रच करके मिली भगत करके इस तरीके से उसको एक अपहरण का मैटर बना करके उस मैटर को खत्म कर दिया और इसके लिए उसके माँ बाप जब माननीय एसपी साहब के यहाँ और आईजी साहब के यहाँ भी ज्ञापन देने के लिए गए तो उन लोगों को इतना डरा धमका दिया गया कि वो अपनी कार्रवाई नहीं कर सके। वो लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हैं कि वो चुपचाप अपने घर में बैठ गए और उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद भी ना तो उस बच्ची का मेडिकल करवाया गया कैथून थाने के द्वारा और ना ही कैथून थाने ने पॉक्सो एक्ट में आज तक मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो जो कानून व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ाई हुई है। आए दिन हर किसी को किसी भी छोटे से मैटर पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पैसे ऐंठे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे नेता हैं जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, लालपुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू जी, उनके फार्म हाउस पर ताला लगा हुआ था तो कैथून SHO और राइफलधारी कम से कम 25-30 लोग डोलियां फान करके अंदर चले गए। जब पूछा गया कि भाई इस तरीके से कैसे गए तो उन्होंने बहाना लगा दिया कि भाई जयपुर से फ्लाइंग आई थी। तो क्या फ्लाइंग केवल एक आदमी को टारगेट करने के लिए आई थी? बताएं ना ये लोग कि उस दिन कितनी कार्रवाइयां करी और फिर क्या मिला इनको फार्म हाउस पे। हम चोर नहीं है, हम एक नंबर में बिजली चलाते हैं और आप चोरों की तरह, क्योंकि चोर डोलियां कूदने का काम चोर और डकैत करते हैं। जो प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी होता है उसके द्वारा अगर ऐसा काम किया जाए तो वो बहुत ही गिरे हुए स्तर का काम है और ऐसे में अगर कानून व्यवस्था द्वारा इस तरीके से किया जाएगा तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता त्रस्त है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप महिलाओं की सुरक्षा करें और जो ये पुलिस गुंडों की तरह कार्य कर रही है इस पर लगाम लगाएं, वरना जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं एक महिला हूँ, उसके बाद कैथून से थाने का जो CI है उसने मेरे से कहा कि तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगा, तू बहुत बोलती है। तो मैं तो बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी और आम जनता की आवाज मैं हमेशा उठाती रहूंगी। और CI में इतना दम है ना तो मुझे गिरफ्तार करके बताएं। अगर मैं गलत होंगी, गांधी जी भी जेल गए हैं, इंदिरा गांधी भी जेल गई है, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हमें जेल जाना पड़े तो इसमें मैं बिल्कुल भी कोई संकोच महसूस नहीं करूंगी। और मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि जो आम जनता को जो मूलभूत समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को आप उसका समाधान करें और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली पानी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। झूठ बोलते हैं मंत्री विधानसभा के अंदर के 22 घंटे बिजली देते हैं, जबकि उनके खुद के भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कैथून में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। जो विधायक है संदीप शर्मा जी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए क्या होगी। तो हम यही कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो दौरे करना बंद करें, सलाहें लेना बंद करें और आम जनता की समस्याओं पे ध्यान दें और उनका लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंचल कैमरामैन के साथ तरन्नुम खान।